देखिए बेटे, हमारे पास क्या होता है, ये सर्कल है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा चैप्टर है बेटे ये, बस इंशाल्लाह ये दो चीज सुन लीजिए सब खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर इसी चीज पे खत्म हो जाए। ये आपके पास सर्किल है बच्चे। अब हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास है सर्कमफेरेंस द पैरामीटर, और एक इनसाइड रीजन है दैट इज एरिया। तो दोनों ही चीजों पे बात करता है। अगर हम सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट बेटे मार्क कर, टू पॉइंट्स, ये तो ये लेते हैं पी और ये हम लेते हैं क्यू। अब एक तो हम ये कह सकते हैं ऐसे, तो दैट इज एन आर्क, और ये माइनर आर्क है, और हम कह सकते हैं ऐसे, ये हमारे पास मेजर आर्क। कोई बच्चा मुझे बताएगा माइनर आर्क कौन सा होता है, मेजर कौन सा होता है? छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। कितने अच्छे हो, माइनर का मतलब छोटा ही होता है, मेजर का मतलब बड़ा ही होता है। नालायक, बताओगे कैसे, डिफाइन कैसे करोगे? हर चीज की एक रीजन होता है ना बेटे, एक वजह है हर चीज के पीछे, लॉजिक है, डेफिनेशन है। वो तो आप हिंदी इंग्लिश में कह रहे हो, मैं माइनर कह रहा हूँ, आप छोटा कह रहे हो, मेजर कहूंगा, बड़ा कहोगे। माइनर और मेजर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं बेटे, जिस पोर्शन में आपके डायमीटर ड्रॉ हो सकता है, जिस पोर्शन में डायमीटर ड्रॉ हो सकता है वो मेजर होगा बेटे। आप कुछ भी कर लीजिए, इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले में आप डायमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, और ऊपर वाले में आप डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेजर आर्क के अंदर डायमीटर्स हैं, माइनर में नहीं है। तो अगर नहीं है इसलिए वो माइनर है। तो समझ में आया सब बच्चों को? तो ये हो गया माइनर आर्क मेजर आर्क। अब अगर इस माइनर आर्क को और इस मेजर आर्क को बेटे मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ ज्वाइन कर दिया, आप इसे माइनर को भी कह सकते हो कि मैंने माइनर को ज्वाइन किया है, आप ये भी कह सकते हो कि मैंने मेजर को किया है। तो जब हम आर्क को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो आर्क और रेडियस के बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है, और जानते भी हैं, लेकिन एक बार और सुन लीजिए अच्छे से, तो ये हमेशा के लिए इंशाल्लाह आपके परमानेंट फीड हो जाएगा मेमोरी में। ये बेटे मेरा सेक्टर है। अब अगर आप इसे देखेंगे, सेक्टर है, ये किस किसके बीच में कवर्ड है बेटे? आर्क किसके बीच में? आर्क और रेडियस के बीच, ठीक है, आर्क और रेडियस के बीच में जो पार्ट होता है सर्किल का दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये सेक्टर, और क्योंकि ये माइनर आर्क ने बनाया था इसलिए माइनर है। और बच्चे ये वाला जो है, ये वाला बेटे, ये मेजर आर्क और रेडियाई के बीच में, ये बेटे मेजर है। सब बच्चों को समझ में आ गए माइनर मेजर? यस सर। अब इसमें दो चीजें हैं बेटे, एक तो इसमें रेडियस होता है, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, रेडियाई, रेडियस, और एक होता है बेटे इस सेक्टर का एंगल। एंगल का मतलब ये जो सेक्टर है माइनर वाला, ये एंगल बन रहा है बेटे, ये वाला एंगल रेडियस के बीच में। लेकिन अगर आप देखोगे मेजर सेक्टर में ये एंगल बन रहा है। आ रहा है सबको नजर? यस सर। अब इसमें होना क्या चाहिए बेटे, हमें एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा अपने आप कैसे पता चल जाता है? क्योंकि इनका टोटल सम कितना होता है? 360 ही होता है। तो अगर अगर हम इसको इसको थीटा कह रहे हैं बेटे, तो अपने आप ही ये वाला 360 में आ थीटा। आ गया समझ में? यस सर। अब आपसे बच्चे सिर्फ दो चीजें कहेगा, आपसे कहेगा लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब बच्चे यहां ध्यान कर लेना, आप लेंथ ऑफ सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। जब भी वो आपसे सेक्टर कहे आप समझ लेना लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क कौन सा है आपको पता है? आर्क सिर्फ बेटे इतना सा है, ये वाला पोर्शन, पता है ना?
या फिर बेटे ये वाला पोर्शन आउटसाइड आउटसाइड। तो अगर आपसे माइनर वाले की बात करेगा तो माइनर एंगल की बात करेंगे, और अगर मेजर की करेगा तो मेजर की। और दूसरा बेटे आपसे लेंथ ना कहेंगे, एरिया कहेगा। क्या कहेगा? एरिया। एरिया तो एरिया ऑफ सेक्टर ये है, येलो या ग्रीन वाला पार्ट, येलो और ग्रीन। ठीक है, अब देखो मैं इसके लिए दोनों के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, क्या आपको सर्किल की लेंथ पता है? सब बच्चों को लेंथ ऑफ सर्कल, जी लेंथ ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस बताओ कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। और अगर मैं आपसे कहूँ नहीं, एरिया बताओ? πr2। अब देखो सबके लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला है, सब बच्चों के लिए बहुत इजी, ध्यान से देख लो सब बच्चों। लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो जब आप लेंथ ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हो तो लेंथ ऑफ एरिया की बात करो। अल्लाह, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सर्कल, सॉरी मैंने एरिया लिखा। जब आप बात कर रहे हो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप एरिया ऑफ सर्किल की बात करो। किसकी बात करो? एरिया ऑफ सर्किल। और जब आप ऊपर सेक्टर है नीचे सर्कल है तो सर्कल सेक्टर का एंगल होगा थीटा, हमेशा कौन सा होगा? थीटा। और सर्कल का एंगल होगा टोटल एंगल कितना? या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे भी हटाई देता हूँ, एंगल ऑफ सेक्टर एंड एंगल ऑफ सर्कल। तो बेटे हमेशा ध्यान रखना ये तीनों रेशो हमेशा सेम हो। तीनों रेशो क्या होते हैं? सेम। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सेक्टर की लेंथ को हम एल कह रहे हैं, एल, तो सर्किल की लेंथ को हम कहते हैं 2πr। क्या कहते हैं? 2πr। सेक्टर के एरिया को अगर हम कैपिटल ए कह रहे हैं तो सर्किल के एरिया को हम क्या कहते हैं? πr स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने सेक्टर के एंगल को थीटा कहा है बच्चे, क्या कहा है? थीटा। तो सर्किल के एंगल को हम क्या कह रहे हैं? सब बच्चों को ये चीज समझ में आई? यस सर। अंगे मित्रा ये समझ में आ रहा है बेटे? तोही, मुनीफ, अरूप? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा बेटे, अब प्लीज ध्यान से देखो, अगर बेटे मैं इसको यहाँ ले जाऊं, यहाँ, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे? एल की। एल। मेरे पास क्या आ गया बेटे? मेरे पास L आ गया बच्चे, 2πr थीटा अपॉन 360। आ गया समझ में? और बेटे अगर मैं इस पाई आर स्क्वायर को यहाँ ले जाऊं बच्चे तो फिर किसकी वैल्यू आ गई? एरिया। एरिया। सब बच्चे बताओ हमेशा के लिए समझ में आया ये चीज या नहीं आई? यस सर। अब इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट कैसे करो बेटे? थीटा बाई 360 तो आना ही आना है, या मैं इसको लिख भी ऐसे ही देता हूं, थीटा बाई 360 तो बेटे हैं, बंद हो गया, थीटा बाई 360 तो आना ही आना है बेटे। जब आप लेंथ की बात करोगे सेक्टर की तो सर्किल का लेंथ आना है, किसका लेंथ आना है? सर्कल का। ठीक है, और जब आप बेटे एरिया की बात करोगे तो सर्किल का एरिया आना है बच्चे, और थीटा बाई 360 तो बेटे आएगा ही आएगा। तो जब आप एरिया निकाल रहे हो सेक्टर का तो एरिया ऑफ सर्किल इनटू क्या आना है बेटे? थीटा बाई 360। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है, जब बेटे सेक्टर का लेंथ तो सर्किल का लेंथ इनटू थीटा बाई 360, जब सेक्टर का एरिया तो सर्किल का एरिया इनटू थीटा बाय 360। सब बच्चे बताओ? यस सर।
यस सर यस सर सबको आना चाहिए समझ में, सब खामोश क्यों? यस सर तीनों बातें मुलाकात हो रही है, आधे तो गायब ही हैं, 17 18 बच्चे कुल हैं आउट ऑफ 30 माशाल्लाह, सबको ज्यादा होनी चाहिए थी क्लासेस रेगुलर, थोड़ा सा आना चाहिए। चलो अब इसमें बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, छोटे से क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं आपसे सीधा सा कह दूं कुछ नहीं करना, क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, बनते ही नहीं क्वेश्चन ज्यादा भी थे, आर को चेंज करेगा थीटा को चेंज करेगा, इससे ज्यादा और क्या चेंज कर सकता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है बेटे, ज्यादा है ही नहीं। मैं आपसे कर दूं ये रेडियस है बच्चे हमारे पास, और रेडियस है हमारे पास 7, ठीक है, और बेटे ये एंगल है हमारे पास, और हमारे पास एंगल अब जो 30, 45, 60, 90 वाले ही है, क्योंकि 120 वाला आपका सिलेबस से बाहर हो गया, पता है आप लोगों को 120 का एंगल ही नहीं है। अब मान लो ये एंगल है बेटे 60, ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, और ध्यान से सुनो जरा इधर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ऐसे बच्चे ऐसे कह रहा है, तो बेटे अगर ऐसे कह रहा है एक एक लाइन का क्वेश्चन करना, ये और अगला चैप्टर एक एक लाइन के क्वेश्चन है, वन वन लाइनर सिर्फ फॉर्मूला। अब जैसे ही बेटे मैंने आपसे कहा कि मुझे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब सेक्टर की लेंथ चाहिए तो फिर किसकी लेंथ आएगी, सर्कल, सर्किल की लेंथ, सर्किल की लेंथ का मतलब सर्कमफेरेंस 2πr, और बेटे थीटा अपॉन 360, लेकिन आप बात कर रहे हो माइनर की, तो माइनर वाला एंगल लेंगे, थीटा जो लेना है जिसकी आप बात करोगे उसका लेना है, तो माइनर का थीटा कितना है बच्चे, 60, ठीक है, चलो बाद में रखेंगे, पहले फॉर्मूला ही लिख रहे हैं फिलहाल, तो ये हो जाएगा बेटे थीटा बाई 360, ये तो हमने आपके लिए लिखा है, वरना तो आपको डायरेक्ट लिखना था 2π की वैल्यू लिखनी थी 22/7, रेडियस की वैल्यू लिखनी थी 7, थीटा की वैल्यू लिखनी थी 60/360। सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर। तो बेटे क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, और बच्चे 0 से 0, और 6 से 36, और 2 से 3, तो फाइनली आंसर कितना आया बेटे, 22/360। यस वंडरफुल, टोटल होगा 360, उसमें से बेटे 60 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल 300 बचेगा, कितना बचेगा बेटे 300, तो रख लो बेटे वैल्यूज, पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया बेटे 7 का स्क्वायर, थीटा हो गया बच्चे 300 अपॉन 360, यस और नो? यस सर, 7 से बेटे 7 चला जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0, 6 से 5, 6 से 6, और 2 से 11, और 2 से 3, तो जो भी आंसर आ जाए 11 × 35/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को मुश्किल है क्या इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। लेंथ निकालनी हो तो पेरीमीटर यूज करेंगे, एरिया निकालना हो तो एरिया यूज करेंगे, एंड इनटू थीटा बाय 360 कर दें, ठीक है बच्चे? यस सर। गुड, आ जाइए, जो भी एंगल दिए। अब हमारे पास एक चीज और बचती है बस, आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास बेटे सर्कल है, और यही लास्ट आपका टॉपिक है, चैप्टर का चैप्टर खत्म, फिर आप जो चाहे क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं, क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला सिर्फ इतना सा ही है, फिर चाहे जितने चाहे क्वेश्चन आप करते रहें। हम अगेन बेटे सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है बच्चे, पी और क्यू, अगेन हमारे पास बच्चे माइनर आर्क है, अगेन बच्चे मेजर आर्क है, लेकिन अब इन दोनों पॉइंट्स को हम बेटे सेंटर से नहीं मिला रहे, किससे नहीं मिला रहे, सेंटर, अब इन दोनों को डायरेक्ट मिला दे रहे हैं, तो जब दो पॉइंट्स सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो उसका नाम आपको पता होगा, क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट, कोड, कोड कहते हैं बेटे, कोड कहते हैं इसे, कहते हैं कोड। तो पिछली बार जो हमने कहा था बेटे, हमने कहा था आर्क और रेडियाई के बीच का पोर्शन,
अब हम कह रहे हैं आर्क और कोड के बीच का पोर्शन, तो उसे बच्चे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? में सेंटर और रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ना सेंटर है ना, तो ये बच्चे हमारे पास सेगमेंट है। तो जो माइनर वाला है वो माइनर सेगमेंट है, जो मेजर वाला है मेजर सेगमेंट है। सबको समझ में आ रहा है? Yes. है ना? हाँ, ध्यान से, मतलब आप लोग क्वेश्चंस पे फोकस मत किया करो, मैं मना करता हूँ। मैंने आज तक क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया, अल्लाह का शुक्र। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जब आपको कमांड हो, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है ना बेटे, कितने क्वेश्चन करोगे आप, कितनी बुक सॉल्व करोगे आप, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पी के गर्ग, एस चांद, हर बुक हर चीज। आप रेडियस को कितनी रख सकते हो ना भाई, रेडियस की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। अब जबते जाओ क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो आप कितने सॉल्व करोगे। बट हाँ, ये पता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 या 2 पाई आर थीटा बाय 360, दैट्स इट, बस फिर तो कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए प्लीज कॉन्सेप्ट देखो। तो ये हमारे पास बेटे येलो और ग्रीन जो है ना, दीज आर सेगमेंट्स। तो अगेन बेटे, ये वाला कौन सा सेगमेंट है बच्चे? माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो है बेटे, ये क्या है? मेजर सेगमेंट। और ये सारे, चाहे सेक्टर ले लो बेटे, चाहे सेगमेंट ले लो, चाहे आर्क ले लो, ये सब वही है। जिसमें डायमीटर आ जाएगा वो मेजर है बेटे, जिसमें डायमीटर नहीं आएगा वो माइनर। किसी को भी आप डिफाइन करो, चाहे सेक्टर को करो, चाहे आर्क को करो, चाहे सेगमेंट को करो। अब आप देखोगे येलो वाले में आप डायमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, ग्रीन वाले में कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं ऊपर करूं, येलो वाले में नहीं कर सकते, स्काई ब्लू में आप कर सकते हो डायमीटर। तो जिसमें भी डायमीटर आ रहा है वो मेरा मेजर है, जिसमें नहीं आ रहा वो मेरा माइनर है। तो ठीक है, कभी भी कुछ भी वो आपसे पूछे। और अगर दोनों में डायमीटर आ रहा है तो वो फिर सेमी सर्किल है, ऐसा सिर्फ पोर्शन सेमी सर्किल होता है। अच्छा बच्चे, ध्यान से देखो आप सब बच्चे, क्या अगर मैं आपसे कहूं, क्या हम इसकी लेंथ निकाल चुके, इस वाले की लेंथ? हाँ भाई, ये वाला आर्क हम निकाल चुके ना? यस सर। हम कह चुके लेंथ ऑफ सेक्टर, क्योंकि अगर इसको भी मैं सेंटर से मिला दूं तो यही है, तो इसकी बात नहीं कर रहा। अब यहां सिर्फ बात करता है एरिया की, कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट, या लेंथ की बात नहीं करता। तो जब सेगमेंट करना है तो हमें नहीं पता कि हम कैसे निकालें, तो यहाँ हम टेक्निक यूज करते हैं कि भाई हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं बच्चे, सब ध्यान से देख लीजिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम इसको सेक्टर बना देते हैं, सेंटर से ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? सेक्टर। सेक्टर। अब जरा सब ध्यान से देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो। ये बच्चे मेरे पास है ऐसे करके और ऐसे करके, ये मेरे पास है सेक्टर, ये क्या है? सेक्टर। और इस सेक्टर में से बच्चे अगर मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं? ट्राइंगल। तो बच्चे का कौन बच्चे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं है, सेगमेंट, सेमी सर्कल नहीं है, डायमीटर नहीं है ना ये, तो क्या बचेगा? सेगमेंट। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। हमने क्या किया है बेटे, हमारे पास दो पोर्शन थे, ये हमारे पास ग्रीन पोर्शन था, आप इधर देख सकते हो अपनी फिगर में, और नीचे बेटे ये आपका जो येलो वाला था ये सेगमेंट था, और ये पूरा मिलके जो है ये सेक्टर बन गया। अगर मैं पूरे की बात करूं ऐसे पूरा, तो ये बच्चे हमारे पास सेक्टर आ गया। लेकिन इस सेक्टर में से अगर हमने ये ट्राइंगल वाला पोर्शन माइनस कर दिया, ट्राइंगल वाला क्या कर दिया? माइनस। तो फिर हमारे पास क्या बच्चा बच्चे, हमारे पास ये सेगमेंट। आप सब बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, हर एक को 100 की कोशिश करनी है, सब बच्चे माशाल्लाह ला सकते हो, बस ध्यान से देख लो। सबको समझ में आया? यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने क्या करा बेटे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटे? यस सर। अब एरिया ऑफ सेक्टर बेटे आप सब बच्चों को आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पे डिपेंड करेगा हम कैसे निकालते हैं। 120 वाला आपके पास है नहीं, 60 वाला अगर होगा बच्चे ध्यान से देख लो, अगर हमारे पास सर्कल में, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए बेटे, दो ही बचते हैं हमारे पास, कुछ बचता ही नहीं है।
60 और 90, ज्यादा कुछ नहीं। अगर बेटे हमारे पास ये मान लो मुझे ये निकालना था, ये निकालना था सेगमेंट, और मैंने क्या किया यहाँ मिला दिया, तो मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो है कि ये 90 है, क्या है ये 90। अब अगर 90 है बेटे तो ये मेरा बेस हो गया रेडियस और ये मेरा हो गया हाइट, तो राइट ट्राइंगल के तो एरिया निकालना आता है ना हमें, राइट आइसोसेलेस हो गई, क्या हो गया ये राइट आइसोसेलेस, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। सब बच्चे बताओ, यस सर। ठीक है, यस सर। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास है और ये आपने मिला दिया यहाँ पे, ये आपने मिला दिया, मान लिया कितना है, हाँ भाई बेटे यूज कर लीजिए, थैंक यू बेटे, ये मान लो 60 डिग्री है बच्चे, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास तीनों का सम कितना होगा 180। यस सर, यस सर। अगर तो आपके पास बचेगा इसका और इसका सम, ये रेडिया इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, है ना, तो आपके पास क्या आएगा बेटे 60 + 2θ = 180, ये तो आपको वैसे ही पता होगा, तो 2θ = 120, तो θ is also 60 degrees, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा अंडर रूट और ए स्क्वायर, तो को पता है ना, यस सर, यस सर। वैसे भी हम इसको भी निकालना सीखेंगे एरिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा बस, ठीक है, देख लो इसको भी सीख लो, अगर आपको ये नहीं यूज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे यूज करता है, मान लो राइट ट्राइंगल में तो हम यूज कर लेंगे, किसी और ट्राइंगल में ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, जो भी एंगल अगर हमें दे दे, ये मान लो सब बच्चे ध्यान से देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है बेटे, और ये एंगल उसने 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री, और ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है, और ये रेडियस दे दे या हमें कोण दे दे, तो हम जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो अगर मान लो ये a है तो a/2 हो जाएगा, 2a है तो a हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये 2a है तो इसको हम a ले सकते हैं, 60 का हाफ कितना रह गया बच्चे, 30। अब हम यहां लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, क्या कह रहा हूं मैं, ये मेरा 30 हो गया, ये मेरे पास r है, ये मेरे पास a है, और ये हमें पता नहीं है ये h, तो क्या हम h में r में a में रिलेशन बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, पाइथागोरस नहीं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री जैसा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, यस सर, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटे, बेस, और ये क्या है बच्चे, हाइपोटेनस, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30, हां, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10/30, तो इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं, ऐसे निकाल लेंगे, आ गया समझ में, यस सर, हाफ बेस इनटू हाइट, तो अगर बेस भी मालूम हो जाए और हाइट भी मालूम हो जाए तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यस सर, तो ये ऐसे थे, चलो देखो क्वेश्चन देखो, अब सर छोटे छोटे से हैं, तेरा शुक्र, फोर क्वेश्चन हो गए थे आपके, यस सर, बस एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटे, ज्यादा इन पे मेहनत करनी नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सीधा सीधा लिखना है आंसर, बस पूरा चैप्टर खत्म हो गया है वैसे भी आपका कॉन्सेप्चुअल, अगर मैं बात करूं माशाल्लाह से तो कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, इतना ही बहुत था, ये बेटे हमारे पास है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिए, सबको मेरी आवाज आ रही है, यस सर, यस सर, यस सर, कौन कौन जाग रहा, यस सर, यस सर, सर मैं, यस सर, सर मैं जाग रहा हूँ, यस सर, बहुत अच्छा बेटे,
पहले से भी कम रह गए। शफी हैं क्लास में? शफी यस सर हैं बिल्कुल हैं। सलमान, सलमान है? नहीं है सलमान, सो गए। चलो देखो, छोटा छोटा सा देखिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो जैसे ही उसने क्वेश्चन दिया आपको फिगर ड्रॉ करना है और सिंपल फॉर्मूला लिखना है बेटे, सिंपल फॉर्मूला वन लाइनर। ये बेटे फिगर जरूर बनानी है प्लीज इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में फिगर जरूर बनानी है, ठीक है। और फिगर से प्रेजेंटेशन होता है, एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को मालूम है, बच्चे को कमांड है अपने क्वेश्चन पे। तो अगर छोटी मोटी गलती होती तो टीचर भी प्रेशर में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि नहीं छोड़ो यार बच्चा अच्छा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप छोटा छोटा लिखेंगे, मिला मिला के लिखेंगे, टीचर बहुत गौर से देखेगा। डिटेल में लिखेंगे ओपन ओपन करके थोड़ा सा, टीचर कहता है ठीक कर रहे ठीक कर रहे ठीक कर रहे। तो ये ध्यान रखो, इस चीज को भी लिया करो। तो इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल 60 डिग्री। तो सपोज करो मेरी ये आर्क है बेटे इतनी सी यहाँ से यहाँ तक, और इसने यहाँ सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सब्सटेंड किया। नाम लिखना सीखिए, ये मेरा ओ हो गया, दैट इज माई पी, दैट इज माई क्यू। अगर मुझे माइनर बताना है तो एक और पॉइंट ले लीजिए आर, अगर मुझे मेजर बताना है तो एक और पॉइंट ले लीजिए एस। तो अगर मुझे माइनर आर कहना है तो पी आर क्यू इज माई माइनर और पी एस क्यू इज मेजर। तो इस तरह से मेंशन किया करो। और ये बेटे मैंने मेंशन कर दिया 60 डिग्री एंगल, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब जैसे ही उसने कहा लेंथ, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, क्योंकि आप 60 डिग्री वाले की बात कर रहे हो तो पी क्यू की बात कर रहे हो, पी आर क्यू या छोटे वाले की आप बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो पी आर क्यू, इस लेंथ, इसकी लेंथ बता दो। बताओ लेंथ कैसे निकालोगे? मुझे ये लेंथ निकालनी है, पाई आर क्यू। लेंथ ऑफ आर का मतलब है लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ 2 पाई आर इनटू थीटा बाय 360, ठीक है बेटे। और बस यही सॉल्व कर दो, 2 22/7, रेडियस दिया है बच्चे 21, थीटा दिया है बच्चे 60/360। यस और नो सब बच्चे? यस सर। आप क्या करोगे बेटे, 60 से 6, 7 से बेटे 3, और 3 2 जा 6। यस और नो? यस सर। आंसर बेटे 22 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये पहला पार्ट हो गया एक लाइन में सीधा सीधा सा, बस वहीं पे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो इसी आर्क ने जो 60 डिग्री एंगल बना रही है बेटे, इसने जो एरिया बनाया सेक्टर का, उसका एरिया निकालो ये। तो अब आप यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर कर दीजिए बच्चे, तो आपके पास आएगा बेटे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ पाई स्क्वायर इनटू थीटा 1/360। यस तो पाई कितना है बच्चे? 22/7। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र दुआएं माशाल्लाह जी जी जब बात से बताइए माशाल्लाह सब का जी जी। हेलो हेलो, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह आपकी आमद बहुत दिनों बाद, मतलब हुई नहीं बहुत दिनों से जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आ जाइए ऑफिस आ जाइए फिर इंशाल्लाह बैठ के बात जी जी। कौन से मौलवी साहब? मेरे छोटे वाले अब्दुल कादिर भाई का, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ फिर उसके बाद आपको दे दूं, मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जज़ाक जी बेटे। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पोंडिंग कोण जी। ज़ूम पे ले रहे हैं, ज़ूम पे ले रहे हैं, हमारा ज़ूम क्यों बंद हो गया? क्यों
आज सुनो मैंने इंस्टॉल कर दिया आज सुनो फ्री वाला बंद कर दिया होगा ना फ्री वाला बंद कर दिया होगा पता नहीं तो आप लोगों से पैसा वाला आया तो आपको मैंने अपना वाला भी तो भेजा था वो वाला ओपन कर लिया इंस्टॉल ही नहीं हो रहा तो कहता हूं इसीलिए बंद कर दिया होगा ना उन्होंने खरीदो तब इंस्टॉल होगा हो सकता मेरे को पहले से डाली होने ऐसा अचानक से बंद कर दिया तो वो तो देख लिया कम से कम दिया हो आप लोग कहां देख रहे हैं आप मीट पे स्टार्ट कर लो ना मीट का लिंक भेज दो या फिर जूम को कर लो जी बेटे हैकर्स भी हो सकते हैं हैक कर दिया हो तो मेरा करेंगे नहीं पूरे जूम को बंद कर दियो अच्छा फ्री वाले अगर हमें कोड चाहिए बेटे मतलब सेगमेंट चाहिए तो हमें कोड ड्रॉ करना पड़ेगा सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो अब बताओ मुझे कोड का एरिया कैसे निकलेगा area of sector minus area of triangle very good area of triangle कौन सा वाला triangle POQ POQ अब सब बच्चे देख लीजिए please area of segment ये presentation के marks मिलेंगे बेटे तो यहाँ पे जो मेरा segment बन रहा है वो बन रहा है PRQ बच्चे is equals to area of sector तो ये आपके लिए भी जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा हो sector कौन सा है POQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू सब बच्चों को समझ में आया मैंने जिस जिसको मेंशन किया पी ओ क्यू आर तो पी ओ क्यू आर सेक्टर कौन सा है पी ओ क्यू आर ये मेरा सेक्टर है ये वाला सेक्टर और इसमें से मैंने फिर ट्राइंगल को माइनस किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इसको मैंने माइनस किया है तब मेरे पास सेगमेंट आएगा अगर आप चेक करोगे बेटे सेक्टर हम पहले ही निकाल चुके सेक्टर हम निकाल चुके ना बच्चे माइनर सेक्टर हम निकाल चुके ना यस सर कितना एरिया है यस सर 231 आप यहां यूज कर सकते हो 231 अब ट्रायंगल चाहिए तो अगेन आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू इज इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर सकते हो तो ये हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर साइड कितनी थी इसकी 21 सबको क्लियर है यस सर दैट्स इट इतना सा करना है सब कर सकते हैं यस सर दो बच्चों की आवाज आ रही है बस यस सर नो सर यस सर देखो एक क्वेश्चन और देखो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए बेटे मतलब क्वेश्चन इतना ही था बस अब जैसा ये दिया हुआ है देखिए थोड़ा सा तेजी से नेट कौन सा चल रहा क्या हो गया इतना परेशान क्यों हो रहे भाई नेट नहीं चल रहा 2.4 वाला चल रहा है आईटी 0.5GHz चल रहा है ये चल रहा है तुम ये चला ये बंद हो गया कोई सा बंद नहीं हो सकता सर दोनों एक ही है सारे में को हॉटस्पॉट से वो जूम चल रहा है इससे नहीं चल रहा नेट तो चल रहा है लेकिन पासवर्ड डालो उसमें वही सेम @WSWRD तो फिर वहां से मिसबा सर का कैसे बंद हो गया आपका मान भी लूं अगर मैं थोड़ी देर मिसबा सर का कैसे बंद हो गया अगर आपका मान लूं क्योंकि शाजिया से वहां पे चल रहा है शाजिया में मेरा वाला यूज कर ली ना नहीं नहीं शाजिया वही है अनपेड वाला ही चल रहा है नहीं मैंने दिया वन अच्छा वो से नहीं पता देखो कुछ क्या नेट देख लो जी बेटे ए कोर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल यहाँ आप सब बच्चे एक चीज ध्यान से सीख लीजिए सबके सब बच्चे जब आप माइनर की बात करते हो बेटे इधर ध्यान से सुन लीजिए ये बच्चे है माइनर जी उजैफा कुछ पूछना है उजैफा बेटे ये वाला है माइनर सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए ये वाला माइनर सेगमेंट है सेगमेंट की बात कर रहा हूँ लेकिन जब हमें मेजर निकालना है इस माइनर को हम कैसे करते हैं इस माइनर को हम करते हैं सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके
ठीक है, तो हमारे पास येलो वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें मेजर निकालना है तो बेटे हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल में से माइनर को माइनस कर देंगे। किसमें से करेंगे? माइनर। हाँ, पूरे सर्किल में से, क्योंकि बेटे ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे तो माइनर वाला जो मेजर सेगमेंट है उसका भी एरिया ऐसे ही निकालना है, तो मेजर का कैसे निकाल पाएंगे हम? ये मान लो हमारे पास सर्कल है, और यहाँ मान लीजिए बेटे हमारे पास ये हमारे पॉइंट्स हैं दो, और यहाँ आपने सपोज करो ये मुझे निकालना है ऊपर वाला जी, आप चल गया फाइव वाला भी नहीं चल रहा, तो मेरा क्यों चल रहा है? होस्ट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये बताइए ना। अरे यार मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, लॉक क्यों करूँगा? व्हाट्सएप चल रहा है, YouTube चलाइए जी बेटे। तो अब हम ऊपर वाला कैसे एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले में से कौन सा ट्राइंगल हम माइनस करेंगे अगर ऊपर वाले का एरिया में निकालना है? बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कैसे मान लो चलते हो रहा है अपना डेटा बंद करना सर, मेरा जूम मेरे डेटा से चल रहा है, वाईफाई से नहीं चला, नहीं तो क्लास बीच में रुक गई, फिर मैंने अपने डेटा से लिंक यूट्यूब तो चल रहा है, तो चला तो देखना दोबारा से, ऑन ऑफ करके देख लो। आप लोग डिस्टर्ब से, आप लोग डिस्टर्ब करें मुझे, हट जाओ सर। आप क्लास ले लो, जब आप छोड़ोगे मेरे को उसी क्लास में लॉगिन करना। ओह माय गॉड, थैंक यू। आपको 10th में इसी में लेना है ना? हां तो इसी पे ले लेना, मेरे लैपटॉप पे पढ़ाना जा। I'll try my best. इससे मजा आएगा। आपको बच्चे आपको देखते भी है ना, मैं तो कैसे चलो यार छोड़ो। हाँ भाई देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है बेटे, जब आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर माइनस करना है, ठीक है? साजिद सर आपने गलती से MCA कर लिया, गलती से MCA कर लिया आपने। कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट का तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अलग अलग निकालते हो, मैं कोशिश करता हूँ एक ही साथ कैलकुलेट करूं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, क्योंकि वन लाइन में ही मजा आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दैट इज बेटे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बच्चे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छा हो अगर हम यहां नाम लिख दें तो एग्जामिनर को भी लगेगा बहुत जानता है। तो सेक्टर हो गया POQR और ट्राइंगल हो गया POQ, दैट्स इट। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 60, या यहाँ भी थीटा ही लिखो, क्यों 60 लिख रहे हो अभी, पहले जब फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, तो थीटा बाई 360 माइनस ये एंगल कितना दिया है बच्चे 60 डिग्री, तो ट्राइंगल कौन सा वाला हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्या हो गया बेटे 22/7, रेडियस हो गया बच्चे 15 का स्क्वायर, थीटा हो गया बच्चे 60/360 माइनस रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे? Yes, sir. ये तो आपका हो गया माइनर सेगमेंट। अब आप कह रहे हो मेजर, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट ऊपर वाला है, तो आप क्या करो, जो भी हमारा आया है बच्चे उसे सर्कल में से क्या कर दो, माइनस। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट्स इट। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो हमने निकाला है, ये पूरा का पूरा, ये जो हमने निकाला है इसको माइनस करेंगे, जैसे भी आप सॉल्व करो 22/7 15 का स्क्वायर, ठीक है,
225, 60 by 360, 1 by 6 minus root 3 by 4, 225. जो भी आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7, रेडियस था 15 का स्क्वायर माइनस 22 बाई 7, 225, 1 बाई 6, ये भी माइनस माइनस प्लस कर दो, रूट 3 बाई 4, 225. सब कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. तो ये है बच्चे हमारे पास सिर्फ इतना सा. सर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. रख दो सर आप. ठीक है, तो इसे कैलकुलेट. Okay. कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही है, अभी मैम क्लास लेंगी. शाजिया मैम इसी लिंक पे रहिएगा, आप सब बच्चे इसी से ले लेंगे क्लास. लीव ना करें? नहीं, डोंट बी. ठीक है, 5 मिनट रेस्ट है, नमाज पढ़ना चाहो नमाज पढ़ लो, रेस्ट ले लो, फिर इसी से ही आपकी साइंस की क्लास हो जाएगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.